हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के अर्थात चुंबकत्व नाम के चैप्टर के सबसे कंफ्यूजिंग माने वाली डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, जैसे चुंबकन की तीव्रता, चुंबकन क्षेत्र और चुंबकीय पारगम्यता। ये सब ये टॉपिक हैं जो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग माने जाते हैं और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इन्हीं टॉपिक्स के अंदर होता है। और इसके पहले वाला जो वीडियो था भूचुंबकत्व, वो भी वैसा ही टॉपिक था। भूचुंबकत्व वाले वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफी लाइक्स आपने किए, काफी सारे कमेंट आए, उसको देख करके बहुत अच्छा लगा। अब ये जो टॉपिक्स हैं जो सबको कंफ्यूजिंग लगते हैं, उनको मैं आपके लिए मक्खन करूंगा हमेशा की तरह। बस आपको एक ही काम करना है, कॉपी लेकर के बैठना है और जो भी बात मैं कहूं उसको लिखना है शॉर्ट के अंदर, तो लास्ट में टॉपिक मक्खन हो जाएगा, है ना। शुरू करते हैं। हाँ, तो दोस्तों अब शुरुआत करते हैं अपन चुंबकन क्षेत्र से। सबसे पहले मैं आपको चुंबकन क्षेत्र पढ़ाऊंगा, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाएंगे इसकी डेफिनेशन, ध्यान से सुनना। देखो भैया, बात ऐसी है, चुंबकन क्षेत्र वो क्षेत्र होता है, चुंबकन क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां पे अगर आप किसी भी पदार्थ को लाकर के रख दो तो उसके अंदर चुंबकीय गुण उत्पन्न किए जा सकते हैं। जैसे आपको एक बात पता है कि पृथ्वी के गर्भ में ले जाकर के अगर आप लोहे को रख दो तो लोहा जो है वो किस में बदल जाता है, चुंबक के अंदर। तो लोहा को रख रहे अपन जिस जगह पे और जहां पर रखने से वो बदल रहा है चुंबक में, उस जगह को, उस क्षेत्र को हम लोग चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। एकदम सिंपल पढ़ो, वह क्षेत्र जिसमें किसी पदार्थ को रखने पर वह चुंबकीय हो जाता है, उस क्षेत्र को चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन इज इक्वल टू फेल, सिंपल सा लॉजिक है। फैक्ट को समझना है, कंसेप्ट को समझना है, लिखना है। एक मिनट लगेगा, वीडियो को पॉज कर लो, कोई जल्दी नहीं है। हेडिंग लिख लो चुंबकन क्षेत्र, इंग्लिश भी लिखो थोड़ी बहुत, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, नोटेशन है कैपिटल एच। इसमें लिखो कि वो क्षेत्र जिसके अंदर किसी भी पदार्थ को रखने से वो पदार्थ चुंबकीय हो जाता है, उस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं, चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। इतना काम कर लो फटाफट से, फिर हम बात करेंगे। और मेरी बात को मानना, लिखना, लास्ट में मक्खन तभी होगा। लिख लो आप आराम से, फटाफट से लिख लो, वीडियो रोक दो आराम से, कोई जल्दी नहीं है भैया, 20-25 मिनट दे रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, रोक दो वीडियो को शांति से, लिख लो चुंबकन क्षेत्र कि वह क्षेत्र जिसमें किसी पदार्थ को रखने पर वह चुंबकीय हो जाता है, उस क्षेत्र को चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। लिख के रख लो। तो आई होप आपने लिख लिया होगा। अब चुंबकन क्षेत्र को जो फॉर्मूला बनता है एच का, वो फॉर्मूला मैं आपको समझाता हूँ। और फॉर्मूला में पता है कैसे समझाऊंगा आपको, फॉर्मूला समझाऊंगा परिनालिका को लेते हुए। देखना, मान लो आपके पास एक परिनालिका है, परिनालिका आप सब जानते हो, सोलेनोइड जिसको बोलते हैं, बहुत अच्छे से बात हुई है इसके बारे में। ये जो परिनालिका है इसमें फेरों की संख्या मान लेते हैं स्मॉल एन है और इसमें धारा बह रही आई। तो एक बात को समझो कि पहले ऐसा सोचा जाता था कि चुंबकीय क्षेत्र अलग चीज है, धारा अलग चीज है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल अलग है, आवेश बिल्कुल अलग है। परंतु ओरेस्टेड भाई साहब के एक्सपेरिमेंट के बाद में ये बात सिद्ध होती है कि धारा से ही चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होता है, धारा ही चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है। धारा कैसे उत्पन्न होती है, आवेश से। तो कनेक्शन को समझने का प्रयास कीजिए, आवेश के चलने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और आवेश के चलने से विद्युत धारा उत्पन्न होती है, मतलब विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र में बहुत बड़ा संबंध है, इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा के कारण आता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र आवेश के चलने से आता है। तो एक आपके पास धारा बह रही है एक परिनालिका के अंदर से, जिसके अंदर n फेरे हैं, तो ये परिनालिका के अंदर बहने वाली धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है वो सीधा सीधा उस धारा से संबंधित है। बात को समझो, क्योंकि आवेश की गति से भैया धारा उत्पन्न होती है और धारा की गति से चुंबकीय क्षेत्र। तो हम बोल सकते हैं कि ये भाई साहब अधिकतम जितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं या जितना चुंबकीय क्षेत्र बना सकते हैं वो है एन इंटू आई, इतना ये बना सकते हैं, क्योंकि धारा ही चुंबकीय क्षेत्र है। एक तरह से देखा जाए तो धारा ही चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकती है आसानी से।
तो आप बोल सकते हो कि कैपिटल एच अर्थात चुंबकन क्षेत्र परिनालिका के लिए कितना होता है, एनआई के बराबर। यहाँ कोई भी फिल्टर नहीं है। फिल्टर क्यों नहीं है, क्योंकि हमने ये माना है कि भैया चुंबकन क्षेत्र को जब परिभाषित कर रहे हैं तो सीधा सीधा कनेक्शन देखेंगे, तो धारा चुंबकीय क्षेत्र के तुल्य है और इस तरीके से एनआई जो है वो आपके चुंबकन क्षेत्र के बराबर होगा, इसलिए बहुत जगह फॉर्मूला लिखा हुआ होता है एच बराबर एनआई। ओके, अब सुनना ध्यान से, आपके मन में इच्छा है कि मैं सामने वाले को थप्पड़ मारूं 5 न्यूटन से। बात को ध्यान समझना, आपके मन में इच्छा है कि मैं सामने वाले को थप्पड़ मारूं खींच करके, कितने दम से, 5 न्यूटन से। तो आपके मन की इच्छा जो है ना वो चुंबकन क्षेत्र है, मतलब ये जो परिनालिका है ये परिनालिका चाहती है कि ये कितना क्षेत्र उत्पन्न करे, ये क्षेत्र उत्पन्न करे एनआई के बराबर, 5 न्यूटन से थप्पड़ मारना, ये हमारी इच्छा है भैया। अब जब मैं अपनी इच्छा से 5 न्यूटन की ताकत लगा के ऐसे हाथ को घुमाऊंगा तो जो हवा है वो हवा मेरे हाथ के ऊपर प्रतिरोध लगाएगी, और उस प्रतिरोध के कारण मेरा हाथ को, मैं घुमा तो 5 न्यूटन से रहा हूं, ताकत तो 5 की लगा रहा हूं, पर मेरे हाथ को चीरना पड़ रहा है हवा को, जिसमें थोड़ा सा बल कम हो जाएगा और 5 न्यूटन की जगह मैं सामने वाले पे कितना जड़ पाऊंगा, 4 न्यूटन। ये तो हवा में बात हुई, और यही 5 न्यूटन अगर मैं लगाऊं खींच करके पानी में, तो पानी के अंदर अगर किसी को थप्पड़ मारूंगा तो मेरे हाथ को पानी को बहुत ज्यादा पुश करना पड़ेगा, तो 5 न्यूटन की जगह वो फोर्स बचेगा 2 न्यूटन का। मतलब परमिशन की बात आती है, परमिशन, कितनी परमिशन है। जैसे मैंने हवा में हाथ चलाया तो 5 की जगह 4 मिल पाया, और जब मैंने पानी में चलाया तो केवल 2 ही मिला। और अगर मैं यही चीज मान लो किसी और गहरे घनत्व वाली जगह पर, दलदल में हूं मान लो, और दलदल के अंदर मैं हाथ घुमाऊंगा तो 5 का हो सकता है मुझे 1 ही मिले। इसको बोलते हैं परमिशन, कि आपका क्षेत्र जो है उस क्षेत्र को बहने के लिए, उस क्षेत्र को अपना प्रभाव दिखाने के लिए कितनी परमिशन मिल रही है, किससे, कभी निर्वात से, कभी पानी से, कभी कीचड़ से। तो आपका बल का जो प्रभाव था वो हवा में 4 न्यूटन का ही आया, क्योंकि हवा ने रोक दिया 1 न्यूटन को, पानी में 3 न्यूटन रुक गया, 2 न्यूटन बचा, और कीचड़ ने आपके 4 न्यूटन को रोक दिया और केवल 1 न्यूटन दिया। समझ रहे हो। अब यहां पे समझो, चुंबकन क्षेत्र से तात्पर्य है कि कितना वो दे सकता है अधिकतम। अब कितना देगा ये उस बात पे निर्भर करता है कि उसको निर्वात, सबसे पहले निर्वात की बात करेंगे, निर्वात कितनी परमिशन देता है। जो परमिशन निर्वात देता है उसके लिए हमारे पास एक टर्म है, और वो टर्म होती है म्यूनॉट। यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, म्यूनॉट है निर्वात की चुंबकशीलता। म्यूनॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता। बात को समझना, निर्वात की चुंबकशीलता म्यूनॉट है। इसका मतलब यह है कि अगर आप म्यूनॉट से गुणा करोगे एनआई को तो निकल करके आएगा कि निर्वात के अंदर कितना प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो मैंने आगे हेडिंग लिखी है ना, धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र निर्वात में, तो धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र निर्वात में कैसे पता चलेगा, वो पता तब चलेगा जब आप एच को गुणा करोगे म्यूनॉट से। बहुत खास बात है, भूलने वाली बात नहीं है। जैसे 5 न्यूटन से 4 न्यूटन कब आएगा, जब आप हवा के इफेक्ट को देखोगे, तो 5 न्यूटन आपका एच है, हवा का प्रभाव ये है और जो मिल रहा है वो ये है। तो निर्वात में इस चुंबकन क्षेत्र की कितनी क्षमता मिल पाती है और कितना चुंबकीय क्षेत्र बन पाता है वो जब म्यूनॉट से गुणा करते हैं तो पता चलता है। तो आई होप आपके समझ में आया है कि ये किस तरह से लिखा गया है। तो चलो यहां तो मैंने क्लियर किया, अपन ये फालतू की चीज को रफ कर देते हैं। थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं आपको, ताकि टॉपिक एकदम ही मक्खन हो जाए, कुछ बचे ही नहीं। ये जो धारा बह रही है परिनालिका के अंदर, ये कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना चाहती है, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना चाहती है एन इंटू आई इतना। परंतु जैसे ही ये चुंबकीय क्षेत्र हवा में आता है, इस चुंबकीय क्षेत्र के हवा में आते ही हवा उसको परमिशन देती है, वायु उसको परमिशन देती है, और वो परमिशन कैसे आती है, म्यूनॉट को एनआई से गुणा करने पे।
तो जो ये अधिकतम दिखा सकती थी वो एनआई है, और हवा ने इसको जो परमिशन दी वो म्यू नॉट है। मतलब ऐसा समझ लो कि जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र हो सकता था एनआई के बराबर, परंतु जब ये वायु में गया तो वायु के अंदर इसका प्रभाव एनआई के साथ में कैसे देखने को मिला, म्यू नॉट एनआई। तो म्यू नॉट वो फैक्टर है, वो पद है जो आपको बताता है कि परमिशन कितनी है वायु के अंदर। आई होप आप समझ पाए कि चुंबकन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है और चुंबकीय क्षेत्र में अपन म्यू नॉट से गुणा क्यों करते। अब आगे सुनो, आप जब चुंबकीय क्षेत्र लगाते हो किसी पदार्थ के ऊपर तो उस पदार्थ के अंदर चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। जैसे लोहे को आप अगर एक प्रणाली, जैसे प्रणालिका है ना, इस प्रणालिका के अंदर मैं इधर बना देता हूं, जैसे ये प्रणालिका है, इस प्रणालिका के अंदर मान लो आपने एक पदार्थ रख दिया, लोहा रख दिया, तो इस लोहे के अंदर ये प्रणालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र जिसको अपन चुंबकन क्षेत्र भी कहते हैं, ये चुंबकन क्षेत्र इसके अंदर चुंबकीय गुण उत्पन्न करेगा। ऑब्वियस ही बात है, आपको पता है अगर आप एक चुंबक के साथ में दूसरे चुंबक को रखोगे तो धीरे 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 वो भी चुंबक बन जाएगा। एक चुंबक के साथ में लोहे को, कील को आप जोड़ के रख दो, लोहे की कील धीरे 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 चुंबक बन जाएगी। तो क्या होता है उसके अंदर, ये जो लोहा है इसके अंदर जो अणु परमाणु है उन परमाणुओं को वो इस तरह से रख देगा कि उसके अंदर चुंबकीय गुण उत्पन्न होगा। चुंबकीय गुण उत्पन्न होने का मतलब क्या होता है, उसके अंदर एक उत्तरी ध्रुव बनेगा, एक दक्षिणी ध्रुव बनेगा। उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव बनने का मतलब क्या होता है, उसके अंदर एक द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा जिसको अपन कहते हैं चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, क्योंकि उसके अंदर चुंबकीय द्विध्रुव बन रहे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल बन रहे हैं। डाइपोल द्विध्रुव, दो ध्रुव, कौन से, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, तो उसके अंदर उत्पन्न होगा एक चुंबकीय आघूर्ण। तो अगर अपन किसी चुंबकन क्षेत्र के अंदर किसी पदार्थ को रखते हैं तो उस पदार्थ के अंदर क्या उत्पन्न होता है, उस पदार्थ के अंदर उत्पन्न होता है चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण का सिंबल क्या होता है, स्मॉल एम। तो एक बात को वापस समझो, जब एक चुंबकन क्षेत्र के अंदर किसी पदार्थ को रखा जाता है तो उस पदार्थ के अंदर भी चुंबकीय गुण आने लगते हैं। चुंबकीय गुण आने का मतलब है उसके अंदर चुंबक के ध्रुव बनने लगते हैं। चुंबक के ध्रुव बनने का मतलब है उसके अंदर चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, और जो चुंबकीय आघूर्ण उसके अंदर उत्पन्न हुआ है स्मॉल m, उसको जब पदार्थ के आयतन से भाग लगाया जाता है तो जो राशि मिलती है उसको अपन कहते हैं चुंबकन की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और इसको क्यों बोलते हैं चुंबकन की तीव्रता, क्योंकि भैया जितना ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा एकांक आयतन पे, इसका मतलब चुंबकन क्षेत्र उतना ही प्रभावशाली है। चुंबकन क्षेत्र के प्रभावशाली होने का मतलब है वो ज्यादा से ज्यादा चुंबकीय बना सके पदार्थ को, और अगर पदार्थ ज्यादा चुंबकीय बनेगा तो उसको जज करने का पैरामीटर क्या है, कोई भी अच्छा चुंबक है इसका मतलब उसका चुंबकीय आघूर्ण एकांक आयतन में ज्यादा होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो एक बार ध्यान रखना, चुंबकन की तीव्रता किस पे निर्भर करती है, चुंबकन क्षेत्र पे। जितना ज्यादा चुंबकन क्षेत्र होगा उतनी ही ज्यादा चुंबकन की तीव्रता होगी, ये बात तो एकदम क्लियर है। वीडियो को पूरा देखते जाओ, सब समझा दूंगा मैं लास्ट में। ओके, अब एक बात समझो, अब इसके अंदर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, इसके अंदर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ वो अपन देखते हैं, कितना प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है वो अपन देखते हैं। तो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र को लिखा जाता है BM। पहली बात तो प्रेरित हो क्यों रहा है, क्योंकि आपने एक चुंबकन क्षेत्र के अंदर उसको रख रखा है। कैसे निकाला जाएगा, इसके अंदर जो चुंबकन की तीव्रता आई है उस चुंबकन की तीव्रता के समानुपाती होता है इसका चुंबकीय क्षेत्र। ऑब्वियस ही बात है ना, लिंक करने की कोशिश करो कि टॉपिक एकदम मक्खन लगेगा। समझो स्टार्टिंग से वापस समझो, आपके पास एक प्रणालिका है, प्रणालिका अपना जितना अधिकतम चुंबकन क्षेत्र बना सकती है वो है उसकी धारा के बराबर। अगर उसमें n फेरे हैं तो धारा होगी n इंटू आई, तो ये उसका अधिकतम चुंबकन क्षेत्र है। चुंबकन क्षेत्र जब निर्वात में आता है तो निर्वात उसको बोलता है रुक जा भाई, मैं दूंगा परमिशन तेरे को चलने की, और मेरी परमिशन का पैरामीटर है म्यू नॉट। तो जब आपका
चुंबकन क्षेत्र निर्वात में अपना असर दिखाता है, तो उसके लिए उसको म्यूनॉट से गुणा करना पड़ता है और निकल के आता है चुंबकीय क्षेत्र। दूसरी बात, ये बिल्कुल अलग कहानी है। ये कहानी ये कहती है कि आपने एक परिनालिका के चुंबकन क्षेत्र के अंदर अगर एक पदार्थ को रख दिया तो वो पदार्थ भी क्या बनने लगेगा, चुंबक। चुंबक से जोड़ो किसी लोहे को, बनेगा वो भी चुंबक, सिंपल। तो आपने पदार्थ को रखा, वो क्या बनेगा, चुंबक बनेगा। वो चुंबक बनेगा तो उसके अंदर क्या आएगा, चुंबकीय आघूर्ण। वो चुंबकीय आघूर्ण को अगर पदार्थ के आयतन से भाग लगाओगे तो क्या निकल के आएगा, चुंबकन की तीव्रता। लिंक करो, बहुत मजा आएगा। अब इसके अंदर जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है, वो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र किस बात पर निर्भर करता है, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र इस बात पर निर्भर करता है कि ये कितना अच्छा चुंबक है, ये कितना अच्छा चुंबक है, ये किस बात पर निर्भर करता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि भैया इसके अंदर चुंबकीय आघूर्ण कितना है, चुंबकीय आघूर्ण एकांक आयतन में कितना है, वो कौन बताता है, चुंबकन की तीव्रता। इसका मतलब अगर लिंक किया जाए तो इसके अंदर प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र सीधा सीधा समानुपाती है किसके, आपके चुंबकन की तीव्रता के। और यहां से एक नियतांक निकल के आता है, वही म्यूनॉट, म्यूनॉट इंटू कैपिटल है। इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई होप आपके यहां तक समझ में आया। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यदि एक परिनालिका के अंदर पदार्थ को रखा जाए तो उत्पन्न नेट चुंबकीय क्षेत्र, बात को समझना, अगर आप एक पदार्थ को परिनालिका के अंदर रख रहे हो तो नेट चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है, समझते हैं। पहली बात तो ये जो परिनालिका है, इस परिनालिका की मैक्सिमम पावर थी Ni। जब ये परिनालिका अपना इफेक्ट वायु में दिखाती है तो यहाँ कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, बी नॉट के बराबर, जो कितना है, म्यू नॉट इंटू एच, म्यू नॉट इंटू एच। सही बात है। इसके कारण ये जो चुंबकन क्षेत्र है, इस चुंबकन क्षेत्र के कारण इसके अंदर पदार्थ के खुद के अंदर, ये जो पदार्थ के खुद के अंदर भी एक चुंबक बन गया है, वो भी अपनी एक चुंबकीय क्षेत्र लगाएगा, और वो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, Bm है। तो अब वहां पे कितने चुंबकीय क्षेत्र हो गए, एक तो बी नॉट हो गया और एक Bm हो गया। तो परिनालिका के अंदर अगर आप किसी पदार्थ को रखते हो तो परिनालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र है और पदार्थ के अंदर जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है वो आपस में जुड़ करके आपको नेट चुंबकीय क्षेत्र देते हैं। तो नेट चुंबकीय क्षेत्र बी कैसे निकलेगा, बी नॉट प्लस Bm से। आगे देखिएगा, अपन एक बार पहले यहां तक का फ्रेम चेक कर लेते हैं। अब समझो, बी इज इक्वल टू क्या है, बी नॉट क्या है आपका, म्यू नॉट एच, बी एम क्या है आपका, म्यू नॉट एम। तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट एच प्लस एम। सही बात है। अब एक काम करो, यहां से एच को कॉमन निकाल लो। अब आप बोलोगे सर दिमाग सही नहीं है क्या, एच को कॉमन कैसे निकालेंगे, यहां तो एच है ही नहीं। तो ये हो सकता है बच्चों, देखो अगर ए प्लस बी है और आपको ए को कॉमन निकालना है तो ए की जगह वन आ गया, बी के साथ में लिख दो बी बटा ए। तो ए प्लस बी में से ए कॉमन निकालना है तो ए का भाग लगा दो, अब अंदर भेजो इसको, तो ए प्लस ए इंटू बी, बी बटा ए, ए से ए कट जाएगा वापस आ जाएगा बी, सेम चीज कर सकते हैं। तो आप ऐसे कॉमन निकाल सकते हो। ओके, तो यहाँ क्या बनेगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचा वन, इधर बचा एम बाय एच। सही है। तो ये एक फॉर्मूला आपके पास है, इस m बटा h को हम ये सिंबल देते हैं, इसको कहा जाता है चुंबकीय पारगम्यता, चुंबकीय पारगम्यता, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, शॉर्ट में लिख दिया है, बाकी नीचे डिस्प्ले हो रहा होगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो यहां पे अपन ने क्या किया, एम बटा एच को एक नाम दे दिया, चुंबकीय पारगम्यता, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसके बाद सूत्र क्या बन जाएगा, इसके बाद का सूत्र मैं यहां पे लिख रहा हूं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच वन प्लस साई। ये लो, ये सिंबल थोड़ा ऐसा होता है, ऐसे दो लटे बनानी है, ऐसे हो गया। ये डेरिवेशन था, टॉपिक कंप्लीट। बस अभी मेरे को वापस से आपको एक बार सिस्टमेटिकली समझाना है। देखो बच्चों, टॉपिक ऐसा है ना, इसको कितनी बार ही पढ़ा जाए कंफ्यूजिंग लगता है। ये इतना कंफ्यूजन है इस टॉपिक में, नाम में हर नाम के आगे चुंबक है, इधर भी चुंबक चुंबक चुंबक, प्रेरित चुंबक, परिनालिका चुंबक चुंबक चुंबक,
हर चीज के आगे चुंबक लगा हुआ है, इसलिए कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। अब मैं शुरू कर रहा हूँ, वापस से आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ लेयर बाय लेयर, ध्यान से आप सुनते जाइएगा, है ना, सुनना ध्यान से। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपकी जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका सीधा सीधा संबंध होता है धारा से। तो अगर धारा आई है तो वो कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है, आई के बराबर। अगर धारा एनआई है तो वो कितना चुंबकन क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है, एनआई के बराबर। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा सोलोनॉइड जो है वो सोलोनॉइड अधिकतम जितना क्षेत्र बना सकता है वो कितना होगा, धारा के बराबर। धारा कितनी है, एनआई। जैसे मेरे मन में है 5 न्यूटन की ताकत से थप्पड़ मारना, तो 5 न्यूटन जो है वो आपका चुंबकन क्षेत्र है। परंतु कोई भी क्षेत्र जब बाहर आता है तो उसको बाहर का वातावरण कितना अलाउ करता है कि वो अपना असर दिखाए, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि निर्वात में चलना आसान होता है, वो या पानी में चलो मुश्किल होगा, पत्थर मतलब दलदल में चलो और मुश्किल होगा, समझ रहे हो। तो आपका माध्यम जो है वो आपको अलाउ करता है कि आप अपना कितनी ताकत दिखा सकते हो। तो अगर निर्वात की बात की जाए तो निर्वात में जो परमिशन है इसको चलने की, वो परमिशन क्या है, म्यू नॉट है। और म्यू नॉट को अपन क्या बोलते हैं, चुंबकशीलता, इसलिए उसको चुंबकशीलता कहा जाता है। परमिएबिलिटी बोलते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ओके, परमिएबिलिटी कहते हैं उसको, परमिशन। अब बात यह आती है कि म्यू नॉट को जब आप इससे गुणा करोगे तो निर्वात के अंदर चुंबकीय क्षेत्र आएगा, सही बात है। जैसे ही ये एनआई निर्वात में हवा में निकला बाहर, ये चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न कर सकता है, म्यू नॉट एनआई। एक बात तो ये हो गई, इसी प्रणालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र आता है म्यू नॉट एनआई आता है। डेरिवेशन आपने 4th चैप्टर में किया है, अब सोचो 4th चैप्टर यहाँ पे लिंक हो रहा है। तो अधिकतम कितना कर सकता है चुंबकन क्षेत्र, कितना निर्वात में दिखा पा रहा है, वो निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र। अब आगे सुनो, जब एक प्रणाली, ये बिल्कुल अलग टॉपिक है, जब एक प्रणालिका के अंदर आप एक पदार्थ को रखते हो तो वो पदार्थ उस प्रणालिका के चुंबकन क्षेत्र के कारण, प्रणालिका के अंदर चुंबकन क्षेत्र होता है, उस चुंबकन क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, सिंपल। तो प्रणालिका के अंदर अगर आप किसी पदार्थ को रखते हो तो उस पदार्थ के अंदर ऐसा कुछ होता है कि वो चुंबक में बदलना शुरू कर देता है। अब वो वैसा कुछ क्या होता है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, वो अलग टॉपिक है। बस इतना समझो कि अगर आप एक चुंबक क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकन क्षेत्र में अंदर किसी पदार्थ को रखोगे तो वो भी क्या बनने लगेगा, चुंबक। अगर वो चुंबक बनेगा तो उसमें ध्रुव बनेंगे, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। अगर उसमें उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव बनेंगे तो इसका मतलब चुंबकीय आघूर्ण आएगा। जो चुंबकीय आघूर्ण आ रहा है वो एकांक आयतन में कितना है उसको अपन बोलते हैं चुंबकन की तीव्रता। क्योंकि सोचो बात को, समझो, चुंबकन क्षेत्र का काम है चुंबक बनाना। जितना अच्छा वो चुंबक बना रहा होगा इसका मतलब उतना अच्छा वहां पे ध्रुव बन रहे होंगे। जितने अच्छे ध्रुव बन रहे होंगे उतना ही चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा आ रहा होगा। इसलिए चुंबकीय आघूर्ण सीधा सीधा आपको ये बताता है कि चुंबकन की तीव्रता क्या है। जितना अच्छा मैग्नेट बन रहा होगा, जितना उस क्षेत्र में ताकत ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा क्या आएगा, चुंबकीय आघूर्ण। सीधी सी बात है। इसलिए किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को ही चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। यहां तक समझ में आया? अब आप ये सोचो कि जितना ज्यादा चुंबकन की तीव्रता होगी उतना ही ज्यादा उस पदार्थ के अंदर क्या उत्पन्न हो रहा होगा, खुद का प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। बाहर के चुंबकीय क्षेत्र ने उस पदार्थ के अंदर एक खुद का चुंबकीय क्षेत्र बना दिया, क्योंकि उसके अंदर उसने खुद का ये दे दिया चुंबकीय आघूर्ण। इसलिए हम बोलते हैं कि पदार्थ के अंदर प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण जो है वो सीधा सीधा समानुपाती है चुंबकन की तीव्रता के। क्योंकि जितनी ज्यादा चुंबकन की तीव्रता होगी उतना ही ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण होगा। जितना ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण होगा इसका मतलब उतना ही अच्छा चुंबक बन रहा है, और जितना अच्छा चुंबक बन रहा होगा उतना ही अच्छा क्या होगा, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। इसलिए मेरे भाइयों प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है चुंबकन की तीव्रता के। और एक और बात, चुंबकन की तीव्रता समानुपाती होती है चुंबकन क्षेत्र के, क्योंकि जितना अच्छा क्षेत्र होगा, देखो अभी कमाल लिंक करूंगा, मजा आ जाएगा आपको एकदम मक्खन। चुंबकन क्षेत्र जो है उसके समानुपाती है चुंबकन की तीव्रता। मतलब समझना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एम समानुपाती है एच के। मैं ये कहना चाह रहा हूं, पहले इसको मैं समझाता हूं आपको लॉजिकली, फिर फॉर्मूले से दिखा दूंगा, मजा आ जाएगा। सुनो, जितना अच्छा चुंबकन क्षेत्र होगा उतना ही अच्छा चुंबक बना पाएगा। भाई खुद के घर में खाने के फोड़े पड़ रहे हैं, मेहमान को क्या बुलाओगे?
अगर खुद के अंदर भंडार भरा हुआ है तो आप जीवन कर सकते हो, सिंपल। तो अगर हमारे चुंबकन क्षेत्र के पास ज्यादा ताकत होगी, मतलब एच ज्यादा होगा, तो वो पदार्थ के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र अच्छा बना पाएगा, उसके अंदर भी प्रेरण अच्छा कर पाएगा, तो उसके अंदर भी चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा बनाएगा, मतलब उसके एम को बढ़ाएगा। तो जितना ज्यादा एच होगा उतना ही ज्यादा एम होगा। जब समानुपातिकता का चिन्ह हटता है तो अपने आप पे एक नियतांक आता है। जब समानुपातिकता का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, वो नियतांक ससेप्टिबिलिटी है, चुंबकीय पारगम्यता है, जिसको अपन बोलते हैं एम बाय एच। एच को नीचे ले जाओ, मैच कर लो, हो गया लिंक। ये है जो लॉजिक समझते हैं ना, वो कहीं से भी कैसे भी लिंक कर सकते हैं, और जो रटते हैं ना वो रटते ही हैं। फिर इसको भी रटेंगे, इसको भी रटेंगे, इसको भी रटेंगे, उसको भी रटेंगे, दूसरे को भी रटवाएंगे, और पूरी जनरेशन खराब कर देंगे। पीढ़ी रटी, उसके बाद बच्चे भी रटेंगे, उनके बच्चे भी रटेंगे, उनके बच्चे भी रटेंगे, सबकी जिंदगी साथ में खराब होगी। ओके, फिर समझो। तो जितना अच्छा चुंबकन क्षेत्र उतना अच्छा चुंबकन की तीव्रता, और जितनी अच्छी चुंबकन की तीव्रता उतना ही प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। समानुपाती, 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 ये हटेगा, मीनोड आएगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ये इसको अपना इफेक्ट कहाँ दिखाना है, निर्वात में। आगे बात, अब देखो दो चुंबकीय क्षेत्र हो गए हैं। अगर आप एक परिनालिका के अंदर पदार्थ को रखते हो तो उत्पन्न नेट चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालोगे? पदार्थ के को आपने जब रखा परिणालिका के अंदर, तो परिणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना है? बी नॉट बराबर म्यू नॉट इंटू एच। उसके अंदर प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र जो इसने बना दिया वो कितना है? म्यू नॉट इंटू एम। दोनों को जोड़ दो, आपके पास आ जाएगा नेट चुंबकीय क्षेत्र। अब इसका मान रख दिया, इसका मान रख दिया, कॉमन निकाल लिया वन, यहाँ पे एच को कॉमन निकाल के फॉर्मूला बना लिया एम अपॉन एच, उसको बोल दिया चुंबकीय पारगम्यता, और इसको मैंने यहाँ लिंक कर दिया अभी कि जितना ज्यादा चुंबकन क्षेत्र होता है उतना ही ज्यादा चुंबकन की तीव्रता होती है, मतलब अच्छा चुंबक बनता है, तो एम समानुपाती होता है एच के, इसीलिए यहाँ पे ये नेतांक घटता है, तो यह आता है। अब चाहो तो भैया ऐसे समझ लो, चाहो तो ऐसे समझ लो, जैसा आपका मन करे वैसा समझ लो, कोई जल्दी वाली बात नहीं। ये था भैया टॉपिक, इतना आसान टॉपिक। अब आराम से देख लो, और अभी मैसेज कर दो एक बार, कमेंट कर दो नीचे, कैसा लगा आपको, मजा आया, समझ में आया कि नहीं आया। और मेरा एडवाइस यही है कि मैं भी जब इस टॉपिक को पर्सनली पढ़ता था 12th क्लास में, तो मैंने पढ़ा, समझा, आ गया समझ में, लिख के रख लिया, बार बार रिवाइज करना पड़ता था, क्योंकि हर जगह चुंबक 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 भर रखा है। तो इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना, सेव करके रख लेना, एग्जाम में जाने से पहले कोई और वीडियो देखो चाहे मत देखो रिवाइज के लिए, ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर कन्फ्यूज़न दूर होगा, बट थोड़े टाइम बाद आप फिर भूल जाओगे, तो फिर से देख लेना, ऐसा करना, मेरे साथ ऐसा होता है, और लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना। और इस वीडियो को जब रिवाइज करो तो फास्ट फॉरवर्ड कर लेना, ऑप्शन होता है यूट्यूब के अंदर, आप सेटिंग में जाकर के 2x 4x जो चाहो स्पीड में पढ़ सकते हो, तो आपको ऐसा भी लगेगा वीडियो बहुत बड़ा हो गया। ठीक है भैया, तो ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा डोमेन के बारे में, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, फैली चुंबकीय, और ये बताऊंगा आपको कि इसके अंदर ये चुंबकन कुंबकन हुआ कैसे, है ना। तो वो अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, बाकी जितने फॉर्मूले बनते थे सारे बता दिए आपको, एक न्यूमेरिकल वीडियो भी बनाऊंगा मैं इसके ऊपर, हो सकता है अगला वीडियो न्यूमेरिकल का है, जिसमें इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को मैं करवाऊंगा। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कंसेप्ट अगर क्लियर हुआ है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयरिंग कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो एग्जाम तक हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और नोटिफिकेशन आइकन को नहीं दबाया हो तो प्लीज़ दबा लेना, ताकि कोई भी अपडेट आपका मिस ना हो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डे नोटिफिकेशंस। थैंक यू, और नोट्स के लिए नीचे व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।